आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने के कितने दिन के बाद करना चाहिए। सबसे पहले आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद करना चाहिए ताकि रिजल्ट सही हो। इसका सही जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस सवाल का जवाब अलग अलग महिलाओं के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि आपको पता होगा कि सभी महिलाओं की पीरियड एक जैसी नहीं होती। अगर आपके पीरियड टाइम पर आते हैं हमेशा 28 या 30 दिन के बाद आते हैं, तो फिर आप पीरियड बंद होने के 10 दिन के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। ज़्यादातर महिलाओं को इस समय प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। अगर आपकी पीरियड समय पर नहीं आती है, कभी 10 दिन पहले या कभी 10 दिन के बाद आती है, तो इस स्थिति में आपको उस तारीख को याद रखना होगा जिस तारीख में आपने संबंध बनाया था। संबंध बनाने के तारीख से 15 दिन के बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो आपका प्रेगनेंसी रिजल्ट सही आ जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट आप चाहे तो दो तरीके से कर सकते हैं, पहला घरेलू तरीके से और दूसरा प्रेगनेंसी टेस्ट किट से। प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदने के लिए आपको 50 से 100 रुपये का खर्चा करना होगा, जबकि घरेलू उपाय से आप मुफ्त में आसानी से टेस्ट कर सकती हैं। अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप पहले घरेलू उपाय से प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें, इसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करें। वैसे तो कई घरेलू उपाय से प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, लेकिन मैं आपको उनमें से आसान और कारगर उपाय के बारे में बताने वाली हूँ। पहला है नमक से। नमक से प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सबसे आसान और सबसे सस्ता घरेलू उपाय माना जाता है। नमक से प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए सुबह के यूरिन को एक ग्लास में रख लें और उसमें दो चुटकी नमक को डालें। 3 से 4 मिनट तक इंतज़ार करें। अगर नमक यूरिन के साथ प्रतिक्रिया करके सफ़ेद दूधिया झाग बनाता है तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। अगला उपाय मैं बता रही हूँ प्रेगनेंसी किट की मदद से। सबसे पहले आप किसी अच्छे ब्रांड के प्रेगनेंसी टेस्ट किट को ख़रीदें। इसकी कीमत 50 से 100 रुपये के बीच होती है। आम तौर पर सभी ब्रांड के प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करने का तरीका एक जैसा ही होता है, लेकिन कुछ प्रेगनेंसी किट को यूरिन कंटेनर में डालना होता है तो कुछ प्रेगनेंसी किट पर यूरिन को डालना होता है। दोनों अलग अलग तरीका है। इसकी जानकारी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट के रैपर पर लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको यूरिन को प्रेगनेंसी टेस्ट किट के ऊपर डाल देना है। इसके बाद आपको 5 से 10 मिनट तक इंतज़ार करना है। उसके रिजल्ट को ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी किट रिजल्ट को बताने में 10 मिनट से भी ज़्यादा समय ले सकता है। कभी कभी 5 मिनट में भी ये रिजल्ट दे देता है। आपका प्रेगनेंसी किट रिजल्ट देखने में कितना समय लगेगा, इसकी जानकारी भी आपको रैपर पर लिखा हुआ मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काफ़ी काम आई होगी। अगर काम आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।